गुड टाइम सी भारत, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी लवली प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सी डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आज आप सभी को सद्पूर्णिमा की शुभ मंगल कामनाएं। बीती नवरात्रि की शुभकामनाएं, आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम रोनी मंडल जी। चलिए, जब तक हमारे और सभी साथी रूबरू होते हैं तब तक गुनगुना लेते हैं। कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं। मोस्ट में जोश है, होश है, जिंदगी में जोश है, मजबूती लागे, बंदों में दम है, बंदों में दम है। मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले, खोले हैं मंजिल के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे वाले, सबके दुलारे हैं, सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले। मोस्ट वेलकम रोया मंडल जी, सोनी जी मोस्ट वेलकम, सोनिया जी गुड टाइम सी। हिम्मत के अक्स है, स्वागत है आपका। मेहनती शख्स है, शख्स है, शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं। स्वागत है वीरेंद्र जी मोस्ट वेलकम। हिम्मत के अक्स है, मेहनती शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हर दिल को भाते हैं। दीपक के जैसे जलते ही रहते, हर घर में करते उजाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले। ये मत वाले आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। के तारे ये सबके सहारे, सेवन मोर मोर दिस शेयर। चलिए, जब तक अपने सभी साथियों को बुला लीजिए। आज फिर से मौका मिला है आप सब से रूबरू होने का। टूटे नहारे, नहारे शान से रहते हैं, आन से रहते हैं, हर लक्ष्य पाने वाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले। ये मत वाले आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं। मोस्ट वेलकम संजय जी, सुनील श्रीवास्तव जी स्वागत है करतल की धरती से। वाह, चलिए तो कुछ बातें कर लेते हैं आज। सबसे पहले आप सभी का पुनः दिल से स्वागत। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालते हैं आज बुधवार को मेरे पूजनीय, मेरे ईश्वर, मेरे अपलायन, मेरे गार्जियन डॉक्टर सी डी एन सिंह जी से मुलाकात करने के लिए। सो एज अ ऑर्गेनाइजर मैं आप सभी की सेवा में तत्पर हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज बुधवार है, आज का दिन गुरुदेव से मुलाकात का होता है। लेकिन आज आज हमसे ज्यादा भाग्यशाली एक जिले के लोग हैं, इसी उत्तर प्रदेश की धरती के कुछ लोग हैं जो हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आज गुरुदेव साक्षात उनके पास हैं। आज वर्चुअल नहीं बल्कि सामने सामने फिजिकल ही मुलाकात करने का मौका कुछ लोगों को मिला, और ये मौका लगातार लगातार गुरुदेव का यह कारवां लगातार चलता जा रहा है। परिचय दे दूं, नाम अभिषेक कश्यप, जन्म स्थान चित्रकूट और पूरा भारतवर्ष मेरी कर्मभूमि है। इसलिए एक बार फिर दिल से आप सभी को गुड एमसी भारत। और आज से
आयुर्वेद का अभियान, यानी कहते हैं ना कि आयुर्वेद का अभियान यानी तन का अभियान और मन का अभियान, यानी आज से लगातार आगे कुछ दिनों पर हमारी लवली प्यारी कंपनी कहूँ या अपना जीवन कहूँ, आईएमसी तो जीवन है दोस्त, कंपनी कहना बहुत छोटी बात होगी, ये एक जीवन है, बस देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है दोस्त। साथियों आज से अभियान शुरू है, यानी एक तो है हमारे तन के डॉक्टर, यानी शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस जीवन को कैसे, जो जीवन जो शरीर हमको मिला है ये मानव तन और इससे जुड़ी हुई जो भी आसपास की चीज़ें हैं, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, या हमारे जो जानवर हैं, पशुपालन है, इन सब से जुड़ा हुआ सब कुछ है हमारे पास, आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ सब कुछ और उस पर संपूर्ण जानकारी, यानी तन के डॉक्टर डॉक्टर श्री रमन शर्मा जी, और मन को कैसे स्वस्थ किया जाए, मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ किया जाए। मोस्ट वेलकम सर, रमेश जी स्वागत है आपका। इस मन को कैसे स्वस्थ करें, इस मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ करें, इसलिए कहते हैं मन के डॉक्टर, दिल और दिमाग के डॉक्टर डॉक्टर श्री डीएन सिंह जी दोनों इस समय एक साथ हैं। रमेश सर मोस्ट वेलकम, गुड एमसी, दोनों एक साथ हैं, कहां आज दोनों एक साथ हैं फरुखाबाद की धरती पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश फरुखाबाद की धरती पर आज एक बेहतरीन सा आयुर्वेदा यानी पीटीएस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स एंड पीटीएस प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड एलटीएस लीडरशिप ट्रेनिंग, जी हाँ, यानी तन के डॉक्टर और मन के डॉक्टर दोनों एक साथ आज हैं फरुखाबाद पर। जिन का नसीब है, आज जिनका भाग्य उदय है फरुखाबाद के वासियों का, आईएमसीएंस का, उनके उन्हें इन दोनों महान शख्सियत का शख्सियत कहूँ क्या कहूँ, जितना भी तारीफ करें कम है। ये एक कॉम्बिनेशन, इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज कंपनी ने हमको दिया है, बड़े ही कहते हैं कि जद्दोजहद, बड़े ही जतन के बाद ऐसा होता है। यानी एक ऐसा प्रोग्राम, कई हमारे साथी जा चुके हैं, जिस पर ट्रेनिंग ले चुके हैं, स्वस्थ जिंदगी एक प्रोग्राम चला करता है और आगे भी वो मिलेगा, वो कंपनी से होता है, एक पेड प्रोग्राम होता है जिसमें मिनिमम 1500 2000 2500 2500 के आसपास का टिकट लगता है, सर्टिफिकेट, आपको ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन आज कहते हैं कि एक बेहतरीन गार्जियन अगर हो जीवन में तो जीवन सफल हो जाता है। ये हमारे गुरुदेव हमारे अपलाइन का आशीर्वाद है जो आज हम सबको इतने आसानी से, इतनी सरलता से, वो इतना बेहतरीन प्रोग्राम, इतनी अच्छी जानकारी हमको हमारे शहर में मिलने जा रही है, हमारे आसपास मिलने जा रही है। तो आज समय है फरुखाबाद का और कल समय है, कल यानी 17 तारीख को समय है कानपुर का। आज फरुखाबाद मेके यानी मैक हम बोलते हैं प्यार से, मेके मेगा आयुर्वेदिक केंद्र फरुखाबाद में आज मुलाकात संभव है इन दोनों महान शख्सियत से। यहाँ देखो, तन का सुधार करना है तो, यदि मन का सुधार करना है तो इन जगहों पर जरूर जाएं, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ जाएं। इस बार मौका है अपने पूरे परिवार के साथ बैठने का, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारियां हमारे काबिल दोस्त श्री राजेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा एक वीडियो में कहा, लाइव में कहा कि हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनसे निपटने के लिए हम इन प्रोग्राम में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने परिवार, अपने टीम के साथ बैठे, हमारी टीम भी हमारा परिवार और हमारा परिवार ही हमारी टीम है। बड़ी गूढ़ बात है, बाद में समझ में आएगी। सुमित सर स्वागत है सर, सादर नमन, सौभाग्यशाली हूँ सर आज इस सेशन पे आपके दर्शन हुए। दोस्तों कल का दिन है कानपुर का, कानपुर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, वहां पर हम अपने परिवार अपनी टीम के साथ अपने जीवन को सफल बनाने का ये राज ले सकते हैं। जी हाँ, कल कानपुर में धमाल होगा और परसों यानी 18 तारीख को बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की धरती पर यानी बांदा डिस्ट्रिक्ट होटल तुलसी स्वरूप में 18 तारीख को आप सभी का स्वागत है अपनी पूरी टीम अपने परिवार के साथ। और इसी पर ये रथ यहीं नहीं रुकेगा, ये रथ फिर आगे बढ़ेगा
और 19 तारीख को मुलाकात होगी प्रयागराज में। जी हाँ, आयुर्वेद भवन प्रयागराज झोंसी में। तो साथियों, ये मौके हैं जिनको गंवाना मतलब फिर क्या होगा, फिर तो आप कह सकते हैं कि किस्मत खराब है। अगर ऐसे प्रोग्राम जो हमारे गार्जियन हमारे अपलाइन इतना इतना मेहनत इतना जद्दोजहद के बाद, सोचिए जिस प्रोग्राम के लिए पेड पासिस लगते हैं, आप 200-250-300-400 किलोमीटर चल करके जाते हैं, वो प्रोग्राम आपके आसपास मिल जाए, ये एक बेहतरीन अपलाइन ही दे सकते हैं। और ये मौका है दोस्त, इसको जितना ज़्यादा आप गेन कर लें, जितना ज़्यादा आप इसको कहते हैं ना कि भुना लें, उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो साथियों, ये कुछ अपडेट्स हैं लगातार हमारे जो प्रोग्राम चलेंगे उनके। और दूसरा एक चीज़ और, एक अपडेट्स और प्यारा सा है। जी हाँ, संगम में सब डुबकी लगाएंगे सर। एक प्यारा सा अपडेट और है कि अभी जिस आईडी पर टीम नहीं है या जिस आईडी पर लगातार परचेज नहीं है, वो रेड होंगे, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे और हमें उनको बताना है। तो कई सारे लोग बोलते हैं, जब डिस्कशन होता है टीम से, बातचीत होती है, तो होता है सर आईडी बचानी है। सर, आईडी बचानी है मतलब क्या है? टीम की आईडी बचानी है मतलब क्या है? बचाना मतलब क्या है? खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, चला जाएगा सर, खो जाएगा है? आईडी जिंदा करनी, कुछ लोग बोले भाषा में जिंदा करनी है। आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्त, हम आप बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में जिंदा करना मतलब क्या? हम स्वयं कितना हल्के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, हम लोग एक ब्रांड है, एक ब्रांड प्रोडक्ट यूज करते हैं, एम्सियन खुद में एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड को इतना हल्के तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत गलत बात है। आईडी जगाने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए अगर हम कॉल करते हैं, बात करते हैं किसी व्यक्ति की जिसकी परचेज नहीं हुई है, सिस्टम से वो आउट होने वाला है, तो उसे जब हम कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर, आपने परचेज नहीं किया, आपकी आईडी बाहर हो जाएगी, आपकी टीम चली जाएगी, ये शब्द। तो उसे क्या, अगर आप क्या सोच रहे हैं, अगर उसको ये होता कि मेरी टीम चली जाएगी या मैं सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा, तो क्या इतने दिनों से वो परचेज ना करता? क्या ऐसा है? हो सकता है उसको पता ही ना हो, हो सकता है अभी तक उसको सिस्टम के बारे में जानकारी ना हो सकता है उसको यही ना पता हो कि मैं किस भारत के क्या पूरे विश्व के आयुर्वेद के सबसे बड़े ब्रांड पर मेरा डिस्काउंट कार्ड बना हुआ, उसको पता ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। हम सोचते हैं सर, अरे उसने नहीं लिया सर, इतने दिनों से कुछ खरीदा नहीं, किसी काम का व्यक्ति नहीं है, बेकार है सर, मुर्दा है। हो सकता है कि किसी टीम के व्यक्ति ने, कोई आया हो, मुलाकात हुई हो, रास्ते चलते किसी ने आईडी बना दी हो और उसको पता ही ना हो कि वो इतने बड़े ब्रांड का हिस्सा है, वो इतने बड़े सम्मानित परिवार का सदस्य है, उसे पता ही ना हो। तो हम कॉल करके क्या बोलते हैं? परचेज कर लो भाई, आपकी आईडी बाहर हो जाएगी। नहीं, उसको ये बोलिए, अगर वो सिर्फ पेमेंट की बात करता है तो उससे बात करें ना हम। देखिए, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जब शब्दों का चयन सही होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, परिणाम भी अच्छा आएगा। हमें चयन क्या करना है, हमें उससे सिर्फ इतना बोलना है कि मैं एमसी से बोल रहा हूं, एमसी ब्रांड से बोल रहा हूं, सर जैसा कि मुझे जानकारी है, जहां तक कि आप अपने घर पे अपने उपयोग के लिए हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, क्वालिटी फुल ट्रस्टेड ब्रांड यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए बेहतर हैं, और ऐसे ही एक आयुर्वेद के ब्रांड आईएमसी पर आपका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ था सर, और जहां तक मुझे जानकारी है आप स्वस्थ रहने के लिए आईएमसी में आए थे, मुझे जहां तक जानकारी है कि आप एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए आईएमसी में आए थे, इस पर आपने अपना डिस्काउंट कार्ड या अपना रजिस्ट्रेशन बनवाया था, जिस पर अभी आपका कोई परचेज नहीं है, और ऐसा होने पर, ऐसी दशा पर हो सकता है कि आप इस ब्रांड से बाहर हो जाएं। इस ब्रांड से होने वाले जो भविष्य के जो फायदे हैं, इन प्रोडक्ट से मिलने वाला जो भविष्य में जो आयुर्वेदा का जो रिजल्ट है आपके शरीर, आपके परिवार पर, और इसका यदि आप सही उपयोग कर लेते हैं एज ए कैरियर, तो उससे मिलने वाला जो फायदा हो सकता है भविष्य में आपसे छूट जाए।
एक बैंक से किसी जानते हैं जब कभी किसी का लोन करप्ट होता है तो बैंक से क्या फोन आता है आजकल, सर आपका इंस्टॉलमेंट सही से नहीं जमा है, सर ये लेट हो रहा है या ये ब्लॉक हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी सिविल पर। पहले क्या होता था भी पैसा जमा करो नहीं आरसी कट जाएगी, वसूली के लिए कोतवाल के यहां से आएगा कागज आएगा। अब क्या बोला जाता, शब्दों का चयन बदल चुका है दोस्त। इतना बड़ा बैंक जिसने लोन दे रखा है वो भी कहता है कि यदि आप इसको सही से नहीं चलाएंगे तो सर आपका सिविल खराब हो जाएगा, और हम क्या बोलते हैं आप बाहर हो जाओगे, 1100 रुपये का प्रोडक्ट ले लो। मेरे दोस्त बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, अभी कॉल कर रहे हैं समझ में आता है, उसे तो पता ही नहीं है सर अच्छा ऐसा भी था, अच्छा रास्ते में मिले थे उनने कर दिया था, मुझे जानकारी नहीं आज आपने बताया। मैंने कहा ठीक है सर आज ऑफिस आइए, आप आज इसी जगह पर हमारे सेंटर है इसी जगह आप पहुंचिए सर आपको पूरी जानकारी मिलेगी भाई साहब, और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा अग्रणी ब्रांड है सर, और इसके उपयोग से आप अपनी आय का पूरे वर्ष की आय का जो 30% मेडिकल जगत वो देते हैं बीमारियों में खर्च कर देते हैं वो आप बचा सकते हैं। देखिए फीचर्स और बेनिफिट हमको अलग अलग बताने पड़ेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही ना कि आपकी आय का जो मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो जो बीमारियों में खर्च होता है उसे बचाया जा सकता है, सबसे बड़ी कमाई तो यही है एमसी की। बहुत से लोग सर पे आउट सर कितना आएगा क्या मिलेगा, अरे मेरे दोस्त आज जानते हैं साहब 56% आबादी सिर्फ एक व्यक्ति की रोटी के लिए काम कर रही है, कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं जो पहले से कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर रहे हैं, और हमें आपको क्या चाहिए, उन सारे लोगों को वहां से निकाल करके कुछ बेहतर दिशा कुछ बेहतर देने का काम करना है, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आ सके, हम उनके कुछ काम आ सके, हमसे पैसा कमाने नहीं आए एमसी में दोस्त, हम यहां जीवन कमाने आए हैं। वो कहते हैं ना कि ईश्वर को ही पालो या ईश्वर से कुछ पालो, अगर सामने ईश्वर आ जाए जिनकी भी आप पूजा करते हैं इष्ट हैं जो वो सामने आ जाए तो उनसे क्या मांगिएगा, उनसे कुछ मांगेंगे या उनसे उन्हीं को मांग लेंगे, दो बातें हैं। अगर ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लिया जाए तब कुछ पाना क्या बाकी रह जाएगा, तो जीवन में कुछ चाहिए कि वास्तव में जीवन ही चाहिए, हमें जीवन ही चाहिए, और हम जीवन से कुछ ना कुछ पाने के प्रयास में इधर उधर भटकते रह जाते हैं, हम सही तरीके से किसी से बात भी नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, हमें आगे बढ़ना है हमें सही जीवन जीना है, इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन भी सुधारना पड़ेगा। हम हल्के तरीके से अपने ब्रांड को क्यों प्रेजेंट करते हैं, हमें क्यों गर्व नहीं होता कि हम आईएमसीएन हैं, समझने वाली बात है दोस्त। कौन क्या कर रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर रहा हूं कंपनी बेहतर, मैं कई बार कह चुका कंपनी बेहतर है, प्रोडक्ट बेहतर है, प्लान बेहतर है, सिस्टम बेहतर है, सब कुछ बेहतर, मैं कितना बेहतर हूं, और मैं जितना बेहतर हूं उतना बड़ा पे आउट मेरा होगा, उतना बड़ा पे आउट मेरा होगा। कई बार मुझे लगता है, एक बार तो मैंने सामने सामने भी बोला, आदरणीय सुमित सर है यहां पर, मैं कई बार कहता हूं सर आपसे जेलीस होता है, क्यों होता है, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पा रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं, आपके जैसे गुण मेरे अंदर नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए जेलीस होता है। तो मेरे दोस्त आईडी बचाना नहीं है बल्कि आईडी को जगाना है, आईडी को इस बात का एहसास दिलाना है कि अगर आपका ये डिस्काउंट कार्ड या डिस्काउंट नंबर या एसोसिएट आईडी अगर आज क्रैश हो गया तो आप भविष्य में बहुत बड़े फायदे को खो देंगे, उसे ऐसा एहसास दिलाएगी कि उसका सिविल खराब हो जाएगा, यानी वो एक ब्रांड प्रोडक्ट यूज करने से वंचित हो जाएगा। डराइए ना, डराइए उसकी इमेज को लेकर के। देखिए ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है और कुछ चीजें हैं ना उनको पकड़ के, ऐसा नहीं कि आप मैं कह रहा हूं डराने का तो आप बिल्कुल उसको ऐसा डरा दो कि नहीं, एक तरीका है उसका, आप उस तरीके से बात कर सकते हो और सामने वाला बेहतर वो आएगा। हर व्यक्ति को अपना जीवन प्यारा है, हर व्यक्ति अपनी कमाई का जो वेस्ट हो रहा है जो बर्बाद हो रहा है वो प्यारा है, वो बचाने का प्रयास करेगा, और सही तरीके से बताइए, तो सही तरीके से बताइए। और दोस्त काम करने से पीछे ना हटें, एक छोटा सा सवाल है, हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई की होगी,
कुछ तो कम से कम स्कूल तो गए होंगे, कोई ना कोई एक परीक्षा दी होगी। और मैं एक छोटा सा सवाल है, यदि हमने कोई पेपर दिया, किसी भी क्लास का परीक्षा दिया, और उस पर हम पेपर देने के बाद हमारी टीचर से अगर सिटिंग हो गई, है ना, हमारा जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, उससे सिटिंग हो गई, या हम जो कॉपी चेक कर रहा है उससे हमारी कोई बातचीत हो गई, कुछ सेटअप हो गया, और हमने वो सेटिंग करके अपने मार्क, अपने नंबर बढ़वा लिए, ठीक है, पासिंग मार्क ले आए, पास हो गए या थोड़ा सा बढ़ गए, तो जब वो रिजल्ट आएगा तो उसमें खुशी कौन सी होगी? एक एक मैं हूं जिसने अपने टीचर से, अपने एग्जामिनर से, अपना जो मेरा जो कॉपी चेक करने का जो बंदा, जो मेरा रिजल्ट बना रहा है, उससे मैंने सेटिंग कर ली, अपने नंबर बढ़वा लिए और पास हो गया, या मैंने कोई डिटेंशन ले लिया, या मैंने एक ऐसा कुछ कर लिया जो थोड़ा सा कहते हैं कि रिस्पेक्ट दे। और वहीं पर एक दूसरा मेरा मित्र है जिसने पढ़ाई की, अपने दम पर, अपने मेहनत पर जा करके उसने वो डिटेंशन हासिल किया। मुझे बताइए खुश कौन होगा ज्यादा, अंदर से किसके लिए फील आएगा? मेरे अंदर जो मैंने डिटेंशन लिया वो सेटिंग से लिया, किसी की कृपा से लिया, या वो मेरा एक साथी जिसने मेहनत करके, सही तरीके से काम करके, सही तरीके से एथिक्स अपना करके, सारा सब कुछ सीख करके, एक एक दिन, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पूरे सब्जेक्ट का, एक एक कहते हैं उसको अभी क्या बोलते हैं, सेमेस्टर पे सारी चीजें पढ़ करके, एक एक चैप्टर को सही तरीके से डीपली जान करके फिर पेपर दिया और वो बेहतरीन नंबरों से पास हुआ, तो अंतर मन में खुश कौन होगा ज्यादा, सेटिंग वाला या जिसने मेहनत करके पास किया? जाहिर सी बात है जिसने मेहनत करके पास किया उसका सर गर्व से ऊंचा होगा, और जिसने सेटिंग की है वो कहीं ना कहीं अंदर, उसके अंदर मलाल होगा, उसके अंदर मलाल होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर चुभेगा। और जब वो निकलेगा ना किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, जब सेटिंग वाला बंदा निकलेगा ना तो वो डरेगा। अगर वो सेटिंग करके गया है, कहीं उसने जुगाड़ सेट करके वो उसने तरक्की हासिल की है या कुछ किया है, तो वो जब जाएगा फील्ड में, जब जाएगा, जब जीवन की, जीवन में जब उस शिक्षा की जरूरत होगी, जीवन में जब वो कुछ काम करने जाएगा, तो उसको डर लगेगा, वो हर जगह सेटिंग ढूंढेगा, कोई मेरा ये काम कर दे, कोई आकर के समझा दे, कोई मेरा ये बिजनेस संभाल ले, कोई आकर के मेरे क्लाइंट देख ले, कोई ये मेरा जॉब का जो काम है वो कर दे, मुझे ना कुछ करना पड़े, वो जीवन भर सेटिंग करेगा। और जिसने मेहनत की होगी, जिसने सीखा होगा, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, वो खुद से सारे काम कर लेगा, क्योंकि उसने बचपन से मेहनत की है, बचपन से शिक्षा, सही शिक्षा हासिल की है, उसकी आदत है अपने सारे काम खुद से करने की। बाकी मैं कहना क्या चाहता हूं, आप समझदार हैं, सेटिंग से पास हुए हैं कि पढ़ करके पास हुए हैं, अपलाइन कुछ दे दे, कंपनी कुछ दे दे, कोई ऑफर इतना लगा दो। अभी मैंने देखा कुछ लोगों का 6 महीने वाच का पूरा हो गया, उनको वाच आ गई, अब उनसे बोला गया सर इसको रिपीट कर लीजिए। अरे सर घड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, ये अगले महीने मिलेगी। मतलब एक मूवी का एक डायलॉग याद आया मुझे कल टीम से जब बात हो रही थी, कि एक कागज में मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? एक कागज पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? यानी अगर किसी कारण से घड़ी नहीं मिलेगी, ये कंसिस्टेंसी यहां पर नहीं मिलेगा, तो क्या आप 1100 बीवी नहीं करिएगा? क्या आप आमजी का प्रोडक्ट यूज नहीं करिएगा? अरे आप ब्रांड यूज करने के लिए आए हो, जीवन को ब्रांड बनाने आए हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए आए थे क्या? तो बहुत कुछ पाने के लिए आए हैं, पूरा जीवन पाने के लिए आए हैं। बात वही आ गई ना, जीवन चाहिए या जीवन से कुछ चाहिए? अरे साक्षात पूरा एमसी चाहिए कि एमसी से ही कुछ चाहिए? अरे कुछ ऐसा करें ना दोस्त कि पूरा एमसी ही हमें मिल जाए, कुछ ऐसा जज्बा लाए ना कि जितना बड़ा टर्नओवर है मेरी टीम का हो। कभी सोच के देखिए ना कि ऐसी टीम तैयार करूं, गर्व होता है हमारा, जो रिस्पेक्टेड सारे कोहिनूर हैं, सारे रिस्पेक्टेड जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, क्या सोच करके इन्होंने किया होगा,
वो दिमाग में आता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या सोच करके किया हुआ है, इतने करोड़ का टर्नओवर करना है। अरे एमसी से कुछ चाहिए कि पूरा एमसी ही चाहिए, मालिक है हम, पूरा एमसी ही चाहिए दोस्त, इतना बड़ा टर्नओवर, एक तरफ कंपनी का टर्नओवर और एक तरफ पूरी मेरी टीम का टर्नओवर, कभी सोच के देखिए ना, है ना, 50% 60% 70% से मेरी टीम का टर्नओवर, सोचिए जरा एक बार, फिर देखिए कितना बड़ा पे आउट होगा। सोच का फर्क है, यानी चयन का फर्क है, हम क्या चयन करते हैं, हम किन शब्दों का चयन करते हैं, हम किन कपड़ों का चयन करते हैं, हम जीवन में किन प्रोडक्ट्स का, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और सबसे बड़ा चयन हम किन के साथ उठते बैठते हैं, किन से मिलते हैं, किन की सुनते हैं, किन से सीखते हैं, चयन। दोस्त एमसी का संसार एकदम अलग है, और यही बात उन लोगों को बतानी है जिनका अभी परचेज नहीं हुआ, उनको ये बात बताएं। हाँ जी, आ गए एक बंदर, देखिए कूद रहे हैं इसमें बात कुछ हो रही है, और कहते ना कि देखिए अभी मैं कह रहा था ना सेटिंग करके, बहुत से लोग जाएंगे इधर उधर कंपनियों में, दूसरी कंपनियों का प्रचार आ करके करेंगे, एमसी वालों को ये बताएंगे कि यहाँ पर लीडर्स हैं, यहाँ तो सिखाया जाता है, यहाँ हर बुधवार को एक बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ बुधवार को डीएन सिंह कॉन्फ्रेंस पेज में आने वाला बंदा एकदम फायर्ड अप है, उसके पास नेटवर्क की बहुत अच्छी जानकारी है, उसको दूसरी कंपनी समझा दो, ये एमसी वालों का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है भाई, ये लोग एकदम पुख्ता होते हैं, इनकी भाषा बड़ी अच्छी होती है, इन लोगों को तोड़ लो। सोचिए ना जरा, क्यों आखिर क्यों? अरे भैया, जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं, जितने रसीले फल होते हैं, पत्थर भी उसी मारे जाते हैं। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे सिस्टम पे हैं, इतनी अच्छी ब्रांडेड कंपनी पे, और इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट हमें आपको जेन्युइन, कहते ना रीजनेबल प्राइस पर यूज करने के लिए मिल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए? ऐसे प्रोडक्ट जो विश्व में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती, ऐसे प्रोडक्ट जिसके रैपर पर जो लिखा है वो उसके अंदर है, ऐसे प्रोडक्ट जो जीवन को संवारते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो मन और मस्तिष्क को प्रगति की ओर लेके चलते हैं, ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट एक रिजनेबल प्राइस पर, एक जेन्युइन प्राइस पर, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, यही बात तो बतानी है, यही बात तो समझानी लोगों को, एक जेन्युइन प्राइस पर, यानी भारत के कानून के तहत जो कंपनी काम कर रही है और प्रोडक्ट पर जो है उसका एक जेन्युइन रिजनेबल प्राइस के तहत जो चीजें हमें मिल रही हैं उसको लेने का अधिकार है ये एसोसिएट आईडी। हम इतने भाग्यशाली हैं, सोचिए दोस्त, और यही तरीका है काम करने का। सबका अपना अपना एक तरीका है, लेकिन सच में बता दूं, अगर गर्व कर लिया इस कंपनी पर, गर्व कर लिया इस प्रोडक्ट पर, तो आपका जो तरीका है वो और बेहतर हो जाएगा और बेहतरीन निखार आएगा। जरा बड़ा सोचिए, ये छोटा छोटा सोचने का वक्त चला गया है, कंपनी पूरे फुल मूड पे है, कंपनी का जो हमारा जो सिस्टम है, कंपनी के जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, अब तो देखिए ना कोर ग्रुप तैयार हो रहा है जो एक एक चीज सिखाएंगे। अभी तक कुछ ही ट्रेनर थे हमारे पास, 8 से 10, 10, 10-15, आज 200 ट्रेंड लोग जिस दिन पूरे भारत पे उतरेंगे, जिस दिन ये 200 से 400 होंगे, जिस दिन 400 से 800 होंगे, 800 से 1600 होंगे, 3200 होंगे, 6400 होंगे, जब इतने ट्रेनर घर घर, जब इतना बड़ा मोटिवेशन होगा, तब सोचना कितनी बड़ी तस्वीर निकल के आएगी बाहर। भाई साहब, कंपनी मैनेजमेंट फुल मूड में है, देरी है तो हमारे आपके मूड में आने की, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मूड में आ जाइए, काम करने का यही सबसे अच्छा समय है, और इन्हीं समय लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है, है ना, दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी जी का आगमन भी हो रहा है, तो साथियों लग जाइए इस पूरे महीने, जैसे ही अपडेट्स हैं आगे भी आपको वॉचेज मिलेंगे, आप रिपीट कर सकते हैं, जिनका कंसिस्टेंसी पूरा हो गया वो रिपीट कर सकते हैं, जिनका पहला महीने वो भी कर सकते हैं, जिनका एफपीओ वो कर सकते हैं, अगले महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करिए, कंपनी ने दिल खोल दिया है भैया, वक्त बदलने के लिए हर हाथ में घड़ी देगी कंपनी, हर हाथ में घड़ी देगी कंपनी, अब वक्त बदलने के लिए तैयार तो रहिए,
अपने टीम के साथियों को बताइए कि वक्त बदलेगा, वक्त बदलने के लिए हाथ में ये गोल्डन वॉच होना जरूरी है ना। तो साथियों, मुझे आज मौका मिला आपसे बात करने का, रूबरू होने का, क्योंकि गुरुदेव का रथ लगातार इस समय प्रगति पर है, काम पर है, और इस समय फरुखाबाद मीटिंग चल रही है, इस वजह से हम सब गुरुदेव को आज नहीं सुन पाए। लेकिन मुझे जहाँ तक है जानकारी कि मौका जैसे मिले, क्योंकि वो जितना प्यार हम आप करते हैं डॉक्टर सीडीएन सिंह जी से, उससे दो नहीं, चार नहीं, दस नहीं, सौ गुना मेरे समझ से कहीं ज़्यादा प्यार वो हम सबसे करते हैं, अपनी टीम से करते हैं। कि मैंने जैसा कहा ना कि हमारी टीम हमारा परिवार है और हमारा परिवार ही हमारी टीम है। तो साथियों, हम सब को हमारे गार्जियन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हो सकता है मौका मिलेगा, मुलाकात होगी, तो तैयार रहिएगा। तो साथियों, लग जाइए, अभी कंसिस्टेंसी क्लोज हुआ है, बट अभी 15 दिन बाकी हैं। सभी को ये बताने का कि आपके पास विश्व के आयुर्वेद के सबसे बड़े ब्रांड को उपयोग करने का एक मौका है, जिसे आप गंवाइए नहीं। और अगर ये चला गया तो इसका मतलब सर आप ब्रांड यूज करने के काबिल शायद नहीं है, इसलिए ये आईडी आप अपनी एक्टिव करा लीजिए, है ना। बचा मत लीजिए, ऐसा मत बोलिए कि बचा लीजिए, इसको सर एक्टिव करा लीजिए। और अगर आप इतना परचेज करते हैं तो एक्टिव हो जाएगी, है ना, 1100 रुपये का परचेज मिनिमम करते हैं तो एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसा कुछ बात करें, ऐसे कुछ शब्दों का चयन करें जिससे सामने वाले का विश्वास जगे, उसको लगे कि हाँ मैं एक ब्रांड को खो रहा था और किसी ने मुझे बता करके मेरे ऊपर एहसान किया, तो कुछ ऐसा बताइए। साथियों, विदा लूंगा आपसे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस कुछ चंद बातें करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी इंतजार में रहते हैं। तो फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे। थैंक यू, गुड एमसी, लव यू ऑल।